कई बार हमारा पैसा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के दौरान किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, चला जाता है, यानी कि जिनको हमें पैसे भेजना होता है उनके अकाउंट में पैसे ना जा करके किसी दूसरे यूजर्स के अकाउंट में बाय मिस्टेक पैसा चला जाता है। अब ऐसे में अगर आप उस यूजर्स को कॉल करके या फिर मैसेज करके ये बोलते हैं कि भाई मेरा जो पैसा है बाय मिस्टेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, चला गया है, प्लीज़ आप मेरे पैसे को रिटर्न कर दीजिए, तो इतना कहने के बावजूद भी अगला यूजर्स साफ साफ मना कर देता है पैसे देने से, यानी कि पैसा देना चाहता ही नहीं है। और कुछ यूजर्स तो ये भी आपको बोल देंगे कि मेरे अकाउंट में आपका पैसा नहीं आया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? अगर इसके बावजूद भी अपने पैसे को रिटर्न करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 गजब का लीगल तरीका बताऊंगा। अगर आप इन 3 तरीकों को इमीडिएटली यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपका जो पैसा है 100% वापस आ जाएगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और वीडियो अगर आपको थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका भी रुपया बाय मिस्टेक किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया कुछ इस तरीके से, यानी कि जिसको आप पैसे भेजना चाह रहे थे उनके अकाउंट में ना जाकर के किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा आपका चला गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके केस में कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऐसे में अगर आप पैसे को रिटर्न लेना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो अभी मैं आपको 3 लीगल तरीका बताऊंगा, और इन 3 तरीकों को आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर ही फॉलो करना है, यानी कि जिस टाइम आपका पैसा गया, जिस दिन आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया, उस टाइम से लेकर के 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है, आपका पैसा 100% वापस आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, यूपीआई कंप्लेंट नंबर, ठीक है। सबसे पहले आपको इस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा लेना है कि मेरा जो पैसा है किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, ट्रांजैक्शन नंबर यह है और टाइम यह है, मेरा अमाउंट इतना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवा लेना है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, जिस ऐप के थ्रू आपका पैसा किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, जिस भी ऐप के थ्रू, तो आपके इनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा लेना है। ये 2 तरीका आपको करना है। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है, आपको अपने आसपास जो ब्रांच है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट था, उस ब्रांच में जाकर के ब्रांच मैनेजर को कहना है कि मेरा जो पैसा है वो किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, भेज तो किसी और को रहा था लेकिन बाय मिस्टेक पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया, आप मेरे पैसे को वापस करवा दीजिए। तो अगर आप 48 आवर्स के अंदर अंदर इस प्रोसेस को करते हैं तो बैंक बहुत ही कोशिश करेगी कि आपका जो पैसा है रिटर्न हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पैसा इतना करने के बावजूद भी वापस नहीं आता है तो आपको एक और स्टेप फॉलो करना है जो कि काफ़ी गजब का है, और इससे तो आपका पैसा वापस आएगा ही आएगा। सिंपल आपको करना क्या है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एक URL टाइप करना है, यह एक ऑफिशियल वेबसाइट का URL है, यहाँ पर आप देख लीजिए npci.org.in। ओके, इस URL को आप टाइप कीजिए और सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट इन टच, शायद आपको दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पर सर्च आइकन के जस्ट बगल में गेट इन टच, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा UPI कंप्लेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कंप्लेंट में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिखेगा ट्रांजैक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको सही तरीके से फिलअप करना है। कंप्लेंट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, सबसे पहले तो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करके पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट, यानी कि आपका जो पैसा है किसी पर्सन के पास गया है या फिर आपने किसी मर्चेंट को बाय मिस्टेक पेमेंट कर दिया है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपका इशू क्या है यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनकॉरेक्टली ट्रांसफर टू एन अदर बैंक अकाउंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कमेंट टाइप करना है, आपको क्या दिक्कत हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी देना होगा, अगर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, जिससे भी आपने पेमेंट किया है, गलत ट्रांसफ़र किया है, वहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी भी मिलता है, उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर इनपुट कर देना है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको रेफरेंस नंबर डाल देना, जैसे प्लीज इंटर योर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, इट स्टार्ट्स विद 1789 और 0, ऐसे करके आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक नेम आपको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप बैंक नेम सेलेक्ट कर लीजिए जिस बैंक से पैसे कटे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको VPA एड्रेस डालना है, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, जिसको आप UPI ID भी कहते हैं, उस UPI ID को यहाँ पर डाल दीजिए सही तरीके से। मतलब कि जिनके अकाउंट में आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं UPI ID के थ्रू, उनका UPI ID यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको नीचे में ये डालना है कि आपने कितना रुपया और कितना पैसा गलत ट्रांसफ़र किया है, आपको यहाँ पर डालना है। मान लीजिए आपने 24,256 रुपये और 25 पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो आपको 24,256 रुपये 25 पैसे भी डालना होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस डेट को आपने यह ट्रांजेक्शन किया था, कौन सा डेट था, आपको डेट भी तारीख भी मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है ना। जो आपका बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस नंबर को आप यहाँ पर बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना करंट बैंक अकाउंट को अटैच करना है, अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अटैच करना है अपडेटेड बैंक अकाउंट का फाइल, मतलब PDF बना करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अभी मैंने डिटेल्स फिलअप नहीं किया है, तो यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका यह फॉर्म कंप्लेंट सबमिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह बताया गया है, फाइल्स मस्ट बी लेस देन 2 MB, यानी कि जो आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे, अटैच करेंगे, उसका जो साइज होगा वो 2 MB से कम होना चाहिए, ज़्यादा ये अटैच होगा ही नहीं। तो जैसे ही आप इस प्रोसेस को करते हैं, तो आपका जो पैसा है 100% वापस आएगा, रिटर्न हो जाएगा। बैंक पूरी कोशिश करेगी आपका पैसा जो है वापस मिल जाए। हाँ, यहाँ पर अब एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, आपको यहाँ पर टाइम लिया जा सकता है आपसे, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 1 महीने भी टाइम लिया जा सकता है। और 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो वो पैसा है जो खो गया था, यानी कि गलत अकाउंट में चला गया था, वह रिटर्न हो जाएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप लोग अपने पैसे को आसानी पूर्वक रिटर्न कर सकते हैं। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सके और अपने खोए हुए पैसे को रिटर्न ला सके। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर रखिए।